दोस्तों आशंका तो पहले से लगाया जा रहा था कि खेसारी लाल यादव आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रवि किशन जी और पवन सिंह जी ये दोनों ऐसे नेता है जो फिलहाल अभी फिल्मी दुनिया में है, भोजपुरी फिल्मी दुनिया में, मगर काम बीजेपी के लिए करते हैं, यानी बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, बीजेपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है ये। पर अभी पवन सिंह ने साफ कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, एक अभिनेता हूँ और अभिनेता का ही काम करूँगा, लेकिन बीजेपी फिलहाल उसने ज्वाइन कर लिया है। तो इसलिए दोस्तों खेसारी लाल का पूरा उम्मीद लगाया जा रहा है कि खेसारी लाल चुनाव लड़े या उनके पिता श्री लड़े या उनकी बीवी लड़े, कोई ना कोई लालू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ेगा, यानी अब विधायक का चुनाव लड़े या संसद लड़े तो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बीच में विवादों में भी खेसारी लाल बहुत फंस रहे थे, कभी कोई नेता के साथ कॉल रिकॉर्डिंग की बात आ रही थी तो कभी कुछ देवरिया में जाके बवाल उखड़ना, इस बारे में सब कुछ देखा जाए तो खेसारी लाल यादव बहुत सप्तों से घिरे हुए नज़र आ रहे थे। इसलिए खेसारी लाल लालू यादव के घर पे जाके मुलाकात किए सबसे, और हो सके तो खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे लालू यादव को पार्टी से, और ये कहाँ से लड़ेंगे फिलहाल अभी साफ तो नहीं हो रहा है, लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं से खेसारी लाल के फैमिली से कोई ना कोई ऐसा कोई पार्टी से जो खेसारी लाल के घर से होगा जो लालू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ेगा। इस बात को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए।